हेलो भाई, स्वागत है आपका वंश प्रजापति के एक और नई वीडियो में। आज देखने वाले हैं टोयोटा इनोवा का ओनरशिप रिव्यू। तो भाई ओनर को देख लो, ये रहा ओनर। तो भाई आपने गाड़ी लीक अब थी भाई, मिली थी 2016 में गाड़ी। 2016 मिली थी, उस टाइम हाँ। आई थी। हाँ भाई, आई वाली लॉन्च हुई थी एक महीने, मतलब हमने 6-7 महीने पहले बुकिंग करी थी इसकी। तो आपको 6-7 महीने बाद मिली गाड़ी। हाँ, 6-7 महीने बाद मिली थी। और ली कितने की थी भाई? मैंने ली थी गाड़ी ला लो 25-26 लाख अप्रोक्स। मतलब आपने 26 लाख की गाड़ी ली थी। हाँ। और आज हो रही है 30 लाख। तो भाई 30 लाख हो रही है, तो मतलब आज अगर आपके बिल्कुल वाली सेम ही है भाई एक तरीके से। हाँ, गाड़ी तो सेम है, बस आगे चेंज कर दिया, अलॉय चेंज कर दिए, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, वो चेंज है। हाँ, और अलॉय चेंज है, बस मेन तो यही है जो। और मान ले तेरे पास गाड़ी नहीं होती है वाली, और तेरे पास ऑप्शन होती है 30 लाख में इनोवा लेनी है, तू लेता? ना भाई, अब नहीं लूंगा भाई इनोवा, क्योंकि कोई वो नहीं है क्या बेनिफिट इनोवा लेने का। अब गाड़ी बहुत बढ़िया गाड़ी है, गाड़ी कमी नहीं इस गाड़ी की। हाँ, ओढ़नी गाड़ी की, पर ये है कि अब बहुत ज़्यादा महंगी कर दी इसमें ना, फीचर्स है ही नहीं। फीचर तो देती नहीं भाई, फीचर बिल्कुल भी। हाँ, और ठीक है वैसे गाड़ी, कहीं भी हम ट्रिप भी मार के आए थे, अभी कहाँ गए थे, प्रॉब्लम नहीं आई भाई गाड़ी में। कहाँ गए थे? ट्रिप मार लिए, लास्ट करंट ट्रिप मारता लद्दाख का, पूरा कश्मीर वश्मीर पंजाब मनाली सारे घूम के आए थे। तो आपको ये नहीं लगा के गाड़ी 4x4 होती तो सही रहता? 1% भी नहीं लगा, कहीं नहीं फंसी गाड़ी, ना कहीं ऐसे की स्लिप मार रही है। हाँ, हमें किसी की जरूरत पड़ गई गाड़ी की, बिल्कुल बढ़िया गाड़ी थी भाई। बस आते वक्त थोड़ी ब्रेक में इशू आया और चेंज कर दिया। भाई ये गाड़ी इसने खींच दी है 24,000 के किलोमीटर। तो भाई आपने 6 साल हो गए गाड़ी को, आपने 24,000 के किलोमीटर खींची गाड़ी वैसी है भाई, ऐसी है। और आपने इनोवा ले ली, क्यों ली भाई इनोवा आपने? भाई देखो, इनोवा की देखो होड़ तो है नहीं। हाँ, हमारे पास स्कॉर्पियो भी थी, स्कॉर्पियो भी चला के देख ली हमने। हाँ, मतलब ज्यादातर गाड़ी चला रखी थी, पर भाई कंफर्टेबल में सबसे आगे आती है गाड़ी, फॉर्च्यूनर भी नहीं है कंफर्टेबल में गाड़ी, फैमिली कार एक तो एक नंबर की गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं इस गाड़ी में। बस ये था थोड़ी महंगी थी, पर ठीक थी भाई, फैमिली कार है भाई। महंगी तो गाड़ी महंगी है, लेकिन गाड़ी है भाई, इसमें 26,000 ऐसी चली है, क्योंकि 2-4 गाड़ी और थी, कभी कुछ कोई सी चल रही है, कभी कोई सी चल रही है। ये ज्यादातर लॉन्ग ट्रिप पे चलती है भाई गाड़ी, ट्रिप पे जा रहे हैं तभी चलाई करते भाई। तो कहाँ ले गए भाई? लद्दाख को छोड़ गए भाई, लद्दाख गए थे, फिर हम जिम कॉर्बेट के साइड गए थे, जयपुर गए थे भाई, और भाई ऐसी 2-4 ट्रिप और। मेरे को याद है जब तूने गाड़ी ली थी तो तुम कहीं घूमने गए थे, कहाँ गए थे? शायद भाई मंसूरी के साइड गए थे भाई। हाँ, मैं छोटा था, इतने ध्यान नहीं। हाँ, तो उस टाइम का गाड़ी तो कितने लोग थे गाड़ी में? भाई 8 बंदे थे भाई। तो आप भाई 7 सीटर गाड़ी में तू 8 बिठा के ले गया? आगे पापा हो गए। हाँ, मामा थे, दादी थी, बुआ थी। हाँ, और मम्मी थी, 3 तो आगे। हमने बीच की सीट बनवा रखी भाई, कस्टमाइज करवा रखी इसकी, उसे कभी निकाल दो कभी डाल दो, तो बैठने में दिक्कत नहीं हुई? दिक्कत नहीं होती भाई, बस थोड़ा ये रहता है कमर का इशू रहता है, पर इतनी नहीं रहती। और पीछे हम 3 बच्चे थे भाई, 3 या 4 भाई थे हम, चारों कंफर्टेबल बैठे गए थे, सामान की कोई दिक्कत नहीं, डिग्गी भी बूट स्पेस अच्छा है भाई। तो तूने इसकी टॉप स्पीड दे रखी है 200, तूने कितनी खींच दी? क्या पूछ रहा है भाई, बता दे। खींच दी भाई 180 खींची थी, गुड़गांव वाले हाईवे, मुंबई गुड़गांव का हाईवे बन रहा है, उस पर मैंने 180 खींची थी भाई। भाई 1% हैंडल नहीं कापा, कुछ नहीं कापा इसका, कापती नहीं, बिल्कुल नहीं पता चल रहा था भाई कि 180 की स्पीड पे चल रही है तो गाड़ी झोल नहीं मारती है 180। इन्हू लगा लो आपको पता नहीं चल रहा था कि गाड़ी 180 पे चल रही है। और मान ले तेरी स्पीडोमीटर है नहीं गाड़ी में, तो आप बता नहीं सकते कि ये गाड़ी 180 की स्पीड पे चल रही है। और मान ले 180 की स्पीड पे गाड़ी है और कोई एकदम से आगे आ जाए, संभाल ले गाड़ी को। किस्सा बताता हूँ आपको। हाँ, मैं भाई यार रात को 9:30 बजे सीखे, तो उसका रास्ता था, तो ऐसी थी मेरी गाड़ी 100 स्पीड लगा लो। हाँ, तो भाई एकदम से आगे भाई मैंने ब्रेक मारे भाई, एक नंबर की ब्रेक, तो मैं कहता हूँ मारती गाड़ी को ब्रेक करूंगा, मारती गाड़ी होती ना वो पलट जाती यार, उड़ा देती है, उड़ा देती भाई। इसने ऐसा कंट्रोल दिया ना, एक नंबर गाड़ी, मतलब ऐसा नहीं हुआ, एक तो रहती गाड़ी, दूसरी साइड भागी, गाड़ी स्टेबल रही और बढ़िया मुक्के पे भागी नहीं, मतलब कहीं गाड़ी नहीं भागी नहीं, क्योंकि एक लेफ्ट भाग रही है, राइट भाग रही है। अच्छा, तो मतलब आज अगर एक गाड़ी बेचना चाहो तो बेचोगे तुम? ना भाई अभी तो नहीं, ये तो चलानी है अगली। तो भाई देख, मैं कहता हूँ अगली मैं ले भी लूँ उसको, क्या गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं भाई, पर थोड़ी कॉस्टली बना दी, और अब और गाड़ी आ रही है बैटरी वाला, वो आ रहा है, अब उसमें जाके देखेंगे
भाई इलेक्ट्रिक तो बेकार है आज की डेट में, सही बताऊं। अभी तो 4 साल है, अभी हमेशा 4 साल और चलाएंगे, 3-4 साल है। अगली गाड़ी को कौन सी लेगा भाई, देखेंगे जब जो चल रही होगी। वैसे तो सोच रखी है एक स्कॉर्पियो सोच रहा था पहले तो मैं, जो आई थी कौन सी वाली, स्कॉर्पियो एन भाई, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी है वो। पर भाई इनोवा की ओढ़नी है, देख बता रहा हूं मैं भाई, देख इनोवा की तो ओढ़ है ही नहीं। और भाई सुन ठीक है, गाड़ी अच्छी भाई, एक नंबर कूलिंग करता है गाड़ी का, सारे बढ़िया पावर मोड है कहीं, जैसे आप हाईवे पे जा रहे हो या ड्रैग रेस कर रहे हो किसी चीज के लिए, पावर मोड हो गया। पावर मोड के बाद भी एक आता है इसमें ऑप्शन स्पोर्ट्स मोड का, आप अपने ड्राइव से स्पोर्ट्स पे लगाओ, 6 गियर आते हैं भाई इसमें, इसमें आरपीएम जाता है पूरा 5 तक, पूरी खिंच के गाड़ी चलती है, मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस है गाड़ी की, टक्कर की नहीं इसी गाड़ी को देखी जाए तो भाई इसके रेंज में। अच्छा भाई, तो मतलब आज तक आपको इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं आई, वही लद्दाख आने के बाद एक बार ब्रेक शूज में थोड़े कम थे भाई, 2,500 किलोमीटर घूम गए तो ब्रेक शूज तो बनते हैं। और भाई इनोवा की ना ये है, मैंने ये सुनी है बहुत से लोगों से जो इनोवा ओन करते हैं, कि अगर वो पहाड़ पे लेके जाते हैं ना इसे, तो गाड़ी ना ऐसे लगते गाड़ी को सांस नहीं आ रही, गाड़ी थोड़ी भिज के चलती है। नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है यार, पीछे चलती है क्योंकि वो जो पुरानी वाली रियर, हाँ रियर है, रियर व्हील ड्राइव है, पीछे चलती है, इसलिए भाई पावर मोड इसमें ऑप्शन दे रखा है भाई, गाड़ी में जाना जाती है। अच्छा हाँ, और वो थी जो पुरानी वाली इनोवा करती, वो थोड़ी नीचे भी थी, ऐसा भी नहीं है कि टेढ़ी काटनी पड़ रही है, पत्थर लद्दाख में भाई पत्थर तो हमें पता है कितने आते हैं, एक बार भी नहीं होगी टेढ़ी काटनी पड़ रही भाई, सीधी जा रही थी बिल्कुल, वही झोल तो रही थी पर सीधी जा रही थी, स्टेबल गाड़ी थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, ऑटोमेटिक है 12 से 14 तक देर, 14 तक देर किसने ला, 14 की एवरेज दे, दिल्ली में घूमना।